चलो आज हमारे क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधु आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज सभी ने हमारे माता चित्रपूर्णी महोत्सव के कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से कवरेज की और माता चित्रपूर्णी जी का जो महोत्सव हुआ उसको संपन्न करने में आप सबका बड़ा अच्छा योगदान रहा। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रशासन का, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे एसडीएम, जिन्होंने पूरे प्रशासन ने बड़ी ही अहम भूमिका जो है इस कार्यक्रम में निभाई है। और हमारे सभी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो इन सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो सफलतापूर्वक महामाई के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हुआ है। तो ये पहली बार हमारा चित्रकूनी महोत्सव जो है अंब के अंदर हुआ। हमने एक सोच सोची थी कि बाकी जिलों में जैसे कि बड़े कार्यक्रम जो है एक मेला होते हैं, जैसे मंडी के अंदर शिवरात्रि, चंबा के अंदर मिंजर का मेला होता है और जिलों के अंदर भी जैसे अलग अलग कुल्लू के अंदर दशहरा होता है, वैसे ही लवी का मेला रामपुर में होता है। तो ऐसे मेले जो है हर एक जिले की एक अलग पहचान जो है उभर के सामने आती है। हमारे जिले के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा स्थान था माता चित्रपूर्णी जी का, तो हमने भी एक सोच सोची कि क्यों ना हम भी एक मेला जो है आम के अंदर महामाई के नाम से करवाए। तो हमने इसका सोच रखी। मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है घोषित किया और हमने पहला कार्यक्रम एज ए जिला स्तरीय कार्यक्रम को इसको किया। उसके बाद हमने इस कार्यक्रम के शुभारंभ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने पहले ही कार्यक्रम को, हमारे इस महोत्सव को राज्य स्तरीय करने की घोषणा की। और मैं हमारे स्थानीय व्यापारी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, व्यापार मंडल का भी, हमारे स्थानीय जितने भी हमारे दुकानदार थे उन्होंने भी बहुत अच्छा कॉपरेट किया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं धन्यवाद करूंगा विशेष रूप से चित्रकूनी विधानसभा की समक्ष जनता का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आए और बड़े बड़े कलाकारों को सुना, महामाई का गुणगान भी सुना और इस कार्यक्रम को जो इसकी शोभा बढ़ाई। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम जो है जिससे अंब की एक नई पहचान जो है उभर कर सामने आई। मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम देख रहे थे कि जो बड़े बड़े कलाकार थे जिनकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, वो एक हर कुछ समय बाद हमारे अंब क्षेत्र का नाम अपने गांवों में ले रहे थे, ऊना क्षेत्र का नाम, जिला ऊना का नाम वो अपने उसमें कार्यक्रम में ले रहे थे। तो जब उनकी मीडिया की जो आवाज है वो पूरे वर्ल्ड में, जब उनके जो उनकी फैन फॉलोइंग है उनको सुन रहे थे, ऑनलाइन सुन रहे थे, तो हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा जो हमारा अंब का नाम जो है पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विदेश के अंदर भी इसका नाम जो है सुर्खियों में आया। तो हमने एक कोशिश की थी, हमारे सभी पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नरेश मोटिया जी, हमारे और भी सभी पदाधिकारी जो है जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और इस कार्यक्रम की जो है बच्चों ने, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने पूरा लुत्फ उठाया। और इसके साथ साथ हमारे धार्मिक मंच, कलाकार मंच जो थे उनको भी मौका मिला, हमारे लोकल कलाकार थे उनको भी इस कार्यक्रम में अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला। और टूर्नामेंट इसके साथ साथ हमने करवाए, इसके साथ कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ और इसके साथ साथ कुश्ती जो हुई है। और एक सबसे बड़ा आपने अद्भुत शो आपने देखा होगा कि एक ड्रोन शो जो हमने किया, जिसमें महामाई की झलकियां, हिमाचल की काफी और चीजें विशेष जो हमारे हिमाचल की विशेषताएं उनकी झलकियां भी उसमें हमें देखने को मिली। तो तीन दिवसीय जो कार्यक्रम था और तीन दिवसीय कार्यक्रम में सभी ने भरपूर जो है अपना अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दिया। मैं धन्यवाद करूंगा
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने जो अपना योगदान दिया उनके लिए सबका जो है तहे दिल से धन्यवाद। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कैसा है। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि सभी जो दिन है माता के दिन है, भगवान की एक जो दिव्य शक्ति है, उनके कोई भी दिन जो है अच्छा बुरा मैं समझता हूँ कि उसमें, और मेरे समझ है कि हमारे जो ग्रंथों में ये जो पितृ दिन के दिन है ये शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इस समय हम अपने पितरों को बुला करके उनको हम खाना खिलाते हैं। तो मैं ये चीज का मैं नहीं समझता, बाकी अगर ऐसा कुछ है भी है तो आने वाले को मेरा माना ये पहला कार्यक्रम था, और कुछ कोई भी चीज आगे के लिए हम जैसे करेंगे तो उसमें मैं कई कमियां रही हैं इस कार्यक्रम में, हमें भी पता है, हमने देखी है, उस कमियों को दूर करने के लिए हमारा पूर्ण प्रयास है। एक स्थानीय और हिमाचली कलाकारों की अनदेखी का भी मामला सामने आया कि लोगों ने इस बात को उठाया कि स्थानीय और हिमाचली कलाकारों को भी इग्नोर किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो मेन हमारे कलाकार थे उनका तो उन्होंने तो एक एक घंटा सिर्फ गाया, तीन दिन में एक एक घंटा गाया। जो बड़े कलाकार आते हैं जिनको सुनने के लिए लोग आते हैं, नामी कलाकार है उनको सुनने, वो तो सिर्फ एक घंटे से ज्यादा नहीं गाते। पर ये हमारा कार्यक्रम जो है ये शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता था, रात को 10 बजे तक चलता था। उसमें हमारे सभी स्थानीय जो थे, आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने नाटी की है, मैंने साहब जोगिंदर नगर से एक बच्ची आई थी उसने नाटी की थी, और हमारे स्थानीय काफी बड़े कलाकार जो है उन्होंने उनको मौका मिला, हमारे लोकल आम्ब के कलाकारों को मौका मिला। तो ये चीजें हमने ऑडिशन किया था, और मैंने ये एक दिन मेरी प्रशासन से बात हो रही थी, तो लास्ट दिन जो हमारा कार्यक्रम था मापन समारोह उस दिन स्थानीय लोगों को 70 लोगों को जो है मौका मिला। बाकी उसके बाद भी अगर किसी की कोई शिकायत है मैं ये बोल रहा हूँ।